हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आई एम प्रीत सोहला ड्राइवर, इट्स रिपब्लिक ऑफ तंजानिया हाउस और नेक्स्ट हाउस मैम, अनदर हाउस। ओके ओके मैम, आई एम कंफ्यूज सो आई कॉल यू मैम। तंजानिया का रिपब्लिक आ गया भाई, कहाँ है ये? इधर लिखा भी है, देख सकते हो रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। वोल्क्सवैगन का क्या ही मस्त गाड़ी है, वोल्क्सवैगन का देखो पूरा फ्लावर कर रहा है चाचा, बैक का है कर रहा है भाई। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अभी आप लोग देख रहे हैं भाई प्रेम ब्लॉग्स कुवैत, और मैं हूं प्रेम भाई, और मैं करता हूं कुवैत में फूड डिलीवरी जॉब्स। और देख सकते हो भाई इधर का माहौल कुछ ऐसा है, अभी सूखा सूखा सा नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि अभी गर्मी खत्म होने वाला है और ठंडी चालू होने वाला है। तो भाई हर जो पेड़ पौधे का है, जो पात वगैरह रहता है, सब कुछ गिर चुका है अभी भाई, बाद में फिर से उगेगा। और भाई अभी हम है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो भाई अभी जा रहे हैं भाई, देख सकते हो नुजा की तरफ जा रहे हैं भाई। एक खाना लेके जाना था अभी, ऐसे जो लोकेशन वगैरह सब कुछ डाला है, तो भाई ये रहा लोकेशन, तो भाई इसी के हिसाब से जाएंगे। ज्यादा दूर भी नहीं, 1.2 किलोमीटर है, और भाई इधर से भाई यू टर्न लेके आना पड़ेगा, और एरा वाला रास्ता से इधर घुस के भाई नूजा जाएगा। तो भाई हम जा रहे हैं नूजा, और भाई 2-3 खाना डाला था, बस एक बाकी है। तो भाई नूजा का अभी सिग्नल भी खुल गया दोस्तों, अभी सिग्नल खुल गया तो हम जाएंगे, इधर से यू टर्न लेना पड़ेगा थोड़ा आगे जाके। और आप लोगों भी बहुत इंटरेस्टेड है भाई फूड डिलीवरी जॉब्स में आने के लिए भाई कुवैत में, और मैं हूँ कुवैत में, तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जो पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है। और देख सकते हो इधर कितना बड़ा टैंकर है भाई, ये ऑयल का टैंकर है लग रहा है मेरे को। तो भाई हम ले लिया यू टर्न, देख सकते हो, तो मैंने बोला था जैसे कि यू टर्न लेना पड़ेगा, तो यू टर्न ले लिया। अभी इधर ग्रीन सिग्नल, उधर रेड सिग्नल हो गया, तो हम इधर से निकल सकते हैं। तो भाई इधर से घुसना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ जाएंगे अभी। हाँ भाई इधर से राइट साइड, तो ये जाएगा भाई रावड़ा, उस पार रावड़ा पड़ता है, और इधर से नूजा के लिए अंदर हो गए हम। और ऐसा नूजा का पार्किंग है भाई, ये पब्लिक गार्डन बोलते हैं, पार्क बोलते हैं, पार्किंग बोलने को आया मैं, लेकिन पार्किंग नहीं, पार्क है असल में, देख सकते हो। ये नूजा का जमैया मार्केट भी है, और बहुत अच्छा माहौल है इधर का भाई, देख सकते हो खजूर पेड़ पे अभी भी है, लटक रहे, तो भाई हमको इधर से लेना पड़ेगा। भाई इधर बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी देखने को मिलता है दोस्तों, अभी हम ले लिए इधर से। और भाई इस एरिया को बोलते हैं नूजा, नूजा नाम ही अलग है। BMW देखो, ये मैंने वीडियो में, पहले वीडियो में भी मैंने दिखाया था ये वाला गाड़ी, तो हम इधर से भाई लेना पड़ेगा, इस साइड जाएंगे। नूजा बोलते है भाई घर, क्या ही मस्त मस्त घर होता है इधर भाई, और ऐसा रास्ता होता है। और देखो ये गाड़ी बाहर, बहुत सब ज्यादातर गाड़ी पूरा ही बाहर ही पार्किंग करते हैं। तो भाई हम बस पहुंच ही गए, इधर से इस साइड जाएंगे अभी, और नूजा का नजारा दिखा रहे हम आपको। तो भाई आप भी कभी भाई डिलीवरी काम में आएंगे बाद में, तो भाई इधर आने के बाद भाई कहाँ कहाँ पहुंचे ये सब आपको मालूम चलेगा, और प्रेम भाई दिखाया था ये सोचेंगे। तो भाई इधर देख सकते हो क्या ही पुराना भाई वोल्क्सवैगन का, क्या ही मस्त गाड़ी है वोल्क्सवैगन का, देखो पूरा फ्लावर वाला गाड़ी, वाह क्या है गाड़ी, क्या नजारा है गाड़ी का। और भाई इधर मिनी कूपर भी है, यहाँ बहुत जबरदस्त मिनी कूपर है, देखो ये रहा मिनी कूपर का गाड़ी, क्या ही मस्त। और भाई हम पहुंचने ही वाले हैं, लोकेशन ऐसा कुछ है। और घर देखो क्या ही जबरदस्त घर है, कितना मस्त मस्त घर है भाई। ये क्या कर रहा है चाचा, बैग का है कर रहा है भाई, ये भी डिलीवरी वाला भाई होंगे जहां तक मालूम है। नहीं है, नहीं है, क्योंकि डिलीवरी का कोई ना कोई पहचान रहता है। तो भाई हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, ऐसा रहा लोकेशन। और भाई घर नंबर कितना है, 16, घर नंबर 16 है भाई, नूजा का एरिया था, अभी घर नंबर 16 पे पहुंच गए। देखो गाड़ी कैसे फेंक देते हैं, घर यही है भाई, घर नंबर 16 तो है, MSF यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। हाँ भाई रिपब्लिक ऑफ तंजानिया का तो नहीं है भाई, सही में एक बार फोन करते है, तंजानिया का रिपब्लिक आ गया भाई, कहाँ है ए, इधर लिखा भी है देख सकते हो रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो भाई एक बार कस्टमर को फोन करके पूछ लेते हैं भाई, नहीं नहीं ये घर नहीं लग रहा है भाई, सही में ये घर नहीं लग रहा है रिपब्लिक ऑफ तंजानिया का, तो थोड़ी है भाई, मीन ये एम्बेसी वाले तो थोड़ी ऑर्डर करेंगे भाई, एक बार पूछ लेते भाई, देखो फोन लगाएंगे आपके सामने, तो भाई फोन करने के बाद मालूम चलेगा कि भाई क्या है। तो भाई घर नंबर भी सही है, और जैसे लोकेशन डाला था वो भी बराबर है, लेकिन क्या हुआ एक ही रास्ते में दो घर है एक ही नंबर का, तो ऐसे में क्या रहता है कि भाई कौन सा घर है, उसमें जाएंगे तो ये घर हो सकता है, ये घर में जाएंगे तो वो घर हो सकता है, तो कन्फ्यूजन होता है, ऐसा कभी कभार होता है भाई, ज़्यादातर नहीं होता। और देखो भाई क्या ही मस्त मस्त गाड़ी है, जीप है, पेट्रोल है, वाह MBC का गाड़ी नंबर भी है, MBC का गाड़ी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आई एम प्रीत सोहला ड्राइवर, इट्स रिपब्लिक ऑफ तंजानिया हाउस और नेक्स्ट हाउस मैम, अनदर हाउस। नो इट्स द सेम हाउस, आई विल कम आउट।
ओके ओके मैम, आई एम कंफ्यूज्ड सो आई कॉल यू मैम। ओके थैंक यू मैम, बाय मैम। तो भाई इसका फोन किया तो भाई मैं भाई अंदाज में आया था इधर, सही में अंदाज में आया था। वो देखो बाइक वाला भाई भी उधर ढूंढ रहे, किसी को ढूंढ रहे होंगे। वो देखो बहुत धमला धमला सा आ रहा है, बाइक वाले भाई भी उधर फोन कर रहे हैं। और भाई इधर ही घर है और ये पैसा भाई दे चुका है, कैनेट के हिसाब से हो चुका है। देखो इसे कैनेट ऐसा लिखा जाता है, अगर कैनेट का पैसा पहले ही हो चुका हो तो भाई इधर उतरेंगे और भाई माल पानी देंगे। तो भाई मैं बोला था जैसे कि ये वाला घर था, ये वाला बिल्डिंग इधर गाड़ी के लिए, विजिटर्स के लिए, स्टाफ के लिए अलग अलग है। तो भाई खाना ये रहा और वो नाश्ता के लिए होगा, जहाँ तक है नाश्ता के लिए ही फ़ोन किया होगा। और क्या रहता है भाई, ऐसे सीनिया होता है जो अपना होटल का सीनिया है भाई, ये सीनिया ऐसा वापस भी आता है और उस सीनिया को पैसा देना पड़ता है। बहुत जगह से वैसे वापस आता है भाई, देख सकते हो भाई क्या ही मस्त मस्त जगह है। अपना गाड़ी देखो उधर पार्किंग किया है, अभी आएंगे वो बोला है तो आएंगे। जहाँ तक है एम्बेसी ऑफ द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, देखो ऐसा बिल्डिंग है भाई, तंजानिया का एम्बेसी है। उहुरु ना उमोजा कुछ उनके लैंग्वेज में लिखा है भाई, होगा कुछ एम्बेसी है भाई। लेकिन क्या है, बहुत बहुत जगह में एम्बेसी एम्बेसी में भी गया भाई, हर जगह, जैसे ये बहरीन का हेलो। तो भाई खाना वाना दे दिया, अभी मैडम जी आई थी अंदर से तो उनको दे दिया खाना। और ये तंजानिया कहाँ पड़ता है भाई, कुछ कंट्री मेरे को मालूम नहीं भाई। तंजानिया नाम तो सुना है भाई, तंजानिया का नाम तो सुना था। और मैडम जी का वीडियो थोड़ी बनाएंगे हम, नहीं बनाएंगे। किधर से निकल गए मालूम ही नहीं चला मैडम, तो सीधा आए और हम खाना दे दिया। और भाई इधर से हम निकल रहे तंजानिया में, जैसे एक क्या रहता है कि भाई ऐसा ऐसा एमबीसी की गाड़ी का नंबर प्लेट अलग होता है कुछ, और भाई घर जैसा ही नंबर के हिसाब से ही होता है भाई, इसलिए कोई एमबीसी वगैरह में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। और खाना लेके चले गए आज एमबीसी भाई, वो भी कौन सा एमबीसी ऑफ तंजानिया। तो भाई इधर से यू टर्न कर रहे हैं गाड़ी को, इधर से घुमाना पड़ेगा अभी, क्योंकि जा रहे जाना है अभी वापस। खाना बना तो दे दिया, खत्म हो गया ना खाना, तो पूरा खत्म। अभी भाई तुम्हारा भाई का ड्यूटी भी चेंज किया है मैंने, अभी हो गया। तो भाई चेंज ड्यूटी पहले क्या था, 2 बजे से 2 बजे तक का था, तो अभी 12 बजे से 12 बजे तक का ड्यूटी हो गया। अभी ड्यूटी चेंज हो गया तो भाई ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि खाना जो देखो गाड़ी फेंका हुआ है, गाड़ी क्या मस्त गाड़ी फेंका है भाई। बहुत गाड़ी ऐसा ही होता है, बाहरी पार्किंग होता है सबका, गाड़ी बाहर पार्किंग पूरा, गाड़ी देखो इतना गाड़ी है एक घर में है भाई, कितना गाड़ी है एक घर में। और भाई इस एरिया में है, हम बहुत माल लेके आए थे, ये घर में भी पहले आए थे, ये मिनी कोपर का BMW का, हा क्या कार है यार येलो कलर। लेकिन एक कार मेरे को बहुत अनोखा लगा भाई, देखो पूरा फ्लावर ही फ्लावर रखा है, देखो पूरा फ्लावर ही फ्लावर, और वोल्क्सवैगन का पुराना कार है, पुराना कार बहुत जबरदस्त कार है लेकिन पुराना है भाई, अभी तो जहां तक चलता भी नहीं होगा वो। तो खाना ऐसा होता है, तो भाई कुछ ऐसा नजारा है। और ये भाई बाइक वाले भाई है इधर, देखो पार्किंग कितना मस्त है, ये बाइक वाले भाई घुमा रहे हैं, खाना वाना दे दिया लगता है उन्होंने। तो गाड़ी देखो इधर, ये गाड़ी पूरा बिगड़ा है, ये मर्सिडीज का बेंज। और इधर का माहौल जो नूजा है, बहुत गार्डन गार्डन सा घर है भाई, इधर हर घर में गार्डन गार्डन रहता है। और भाई इतना मस्त जगह है, और ये देखो घर बन रहा है भाई, ये घर बन रहा है और इधर खेल रहे हैं बच्चे लोग, बच्चे लोग सोचा था, लेकिन नहीं, घर पे काम करने वाले दीदी लोग थी। तो भाई इसको बोलते हैं नूजा भाई, नूजा। देखो बाइक वाले भाई भी आ रहे हैं, मस्त इधर बहुत होता है भाई डिलीवरी का काम, इतना रहता है इतना रहता है। तो इधर से ही निकलते हैं हम, अभी इधर से जाएंगे। पोर्च का ब्लू कलर का कार आया, क्या ही जबरदस्त। और भाई मैंने जैसे बताया था, इधर पानी पीने के लिए देखो इतना सा होता है, इतना होता है। और ये जमैया का गाड़ी है भाई, जमैया बोले तो इधर है जमैया मार्केट बोलते हैं जमैया को। तो ये गार्डन है, मैंने पहले आते वक्त भी दिखाया था, ऐसा गार्डन है, गार्डन मतलब पार्क है, जो एक ब्लॉक में एक पार्क पार्क रहता है, जैसे बच्चे लोग खेलने के लिए और भाई घुमाने के लिए। तो वाह क्या स्कूल है उधर, स्कूल लग रहा है मेरे को। तो भाई कांच लगा देते हैं, और कांच में क्या है, मैं काला पेपर लगाया है, वॉलपेपर जैसा ही, मतलब इसको क्या टिंट क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, उतना मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ भाई। और देखो क्या ही मस्त पेड़ पौधे वाला जगह है भाई इधर, क्या ही पूरा भाई। तो इसको थोड़ा कांच साफ कर देते, क्योंकि अच्छा खासा नहीं आ रहा है सीन। तो भाई अभी तो सीन तो क्या लेना था, अभी तो पहुंचने ही वाले हैं हम। तो इस साइड पूरा नूजा है और इस साइड पूरा रावड़ा है,
और भाई आप लोग भी मेरे कुवैत से ही डिलीवरी काम करने वाले भाई लोग भी देखते हैं, तो भाई आप लोगों को भी ये रास्ता मालूम ही होगा। और इधर गाड़ी क्या रहता है, सब गाड़ी बाहर ही खड़ी करते हैं दोस्तों, कोई घर के अंदर भाई जो होता है ना गेट वगैरह लगा के अंदर ही सेफ के हिसाब से रखने वाले वो कोई नहीं होता। इधर कोई चोरी वोरी नहीं होता, जो गाड़ी मतलब चोरी तो होता है, मैं भैया बोले थे चोरी होता है, चोरी इधर से भाई कैसे चोरी होता है कि भाई उधर ही चाबी रखो और गाड़ी स्टार्टिंग में रखो। ये घर देखो भाई, ये घर कितना मस्त घर है भाई, अभी कितना मस्त है देखो, ये घर देखो भाई, फेमस घर है, फेमस घर। इस एरिया नूजा है भाई, और इस साइड भाई पूरा फैया है, फैया एरिया बोलते हैं इस साइड को। और हमारा कांच थोड़ा गंदा है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो भाई ये घर देखो क्या ही जबरदस्त, ये घर भी माशाल्लाह टाइप का है। और भाई ये फायर ब्रिगेड है, जैसे आप लोग भाई कहीं आग बाग लग गए तो भाई इसे जो रहता है फायर वाला सर लोग, वो फायर वाला सर लोग देखो चलते चलते, अभी ग्रीन था अभी येलो हो गया तो हम रुकेंगे इधर, और भाई रेड भी हो गया, चलते आते आते रेड हो गया। और इधर से जाएंगे हम इस साइड को, और बोर्ड देख सकते हो समैया लिखा है, स्वेक लिखा है, अदलिया लिखा है कुर्तुबा, और उधर का खुल गया। अभी इधर से जा रहे हैं लोग, तो इस साइड से जाएगा ना, तो इस साइड से जाएगा कटसिया, यही भाई हमको हरन मार मार के आ रहे थे भाई, हम याद किए थे इनको, याद किए थे, मेरे को मालूम है मैं पेल भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हरन मारे कहीं लगभग गया तो भाई लुटक जाएंगे सोचा होगा बेचारा दोस्त भाई ने, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ दोस्त को, बहुत देख के चलता हूँ भाई। अपने उधर गांव में भी बहुत मोटरसाइकिल वाले बहुत होते हैं, उधर भी बहुत ध्यान से चलना पड़ता था। तो भाई इधर आने चाहते हैं तो भाई बहुत लोग आप लोग आ सकते हैं, और अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि भाई अच्छा सैलरी है, और बहुत लोग पूछते हैं आपका सैलरी कितना है, तो मैं बता दूं कि भाई मेरा सैलरी 140 है, और काम करना पड़ता है 12 घंटा और खाना लेके जाना पड़ता है। तो भाई कोई लोग पूछ रहे थे कि भाई हाँ भाई एक दिन में कितना ऑर्डर मारते हो, तो भाई 15-20 ऑर्डर हो जाता है एक दिन में। और आप लोगों को सब ऐसे जो इंटरेस्टिंग वगैरह बातें होती है, और जो डिलीवरी जॉब से रिलेटेड बात होती है, वो आप सबको बताता रहा। तो भाई इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करो, अपने भाई को प्यार करो, प्यार करो मेरे दोस्तों। तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई इधर का सब कुछ जो जानकारी रहता है वो देता रहता हूँ। 12 घंटा काम करना पड़ता है अपना दोस्तों उधर से आके, और 12 घंटा भाई रूम पे होता है, और 12 घंटा ड्यूटी है। अभी एक साल एक महीने हो गया। उधर देखो भाई इतना बाइक वाले भाई लोग जा रहे हैं, बाइक वाले ये देखो कितना बाइक लोग है। तो भाई इधर क्या रहता है कि भाई सबसे जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, वो ट्रैफिक सिग्नल के आगे आगे भाई पूरा बाइक वाले भाई लोग होते हैं ज्यादातर। अभी इधर का खुल गया, अभी हमारा भी खुलने वाली है, तो हम ए तान के बैठ चुके हैं भाई ड्राइविंग मोड पे। ए रखो तो ड्राइविंग मोड में, ए रखो तो न्यूटन में। तो भाई इधर भी दिखाता है देखो, अभी न्यूटन में है तो मैं ड्राइविंग पे डालूं तो डी दिखाता है, न्यूटन पे डालूं तो एन दिखाता है, और रिजर्व में डालूं तो भाई आर दिखाता है, वैसा ही होता है। और लेकिन अभी नहीं करेंगे, तो भाई कुछ ऐसा नजारा है। और भी आप लोगों को भाई वीडियो बहुत कमती आ रहा है, लेकिन क्या है कि भाई कोई कंटेंट नहीं है, और आप लोग हमको जरूर बोलिएगा कि भाई कैसे कैसे हिसाब से वीडियो बनाए। और देखो इधर भी आ गए हमारे डिलीवरी भाई, ताला भाट के भाई आ गए भाई, और ऐसे ही तालाभाट का काम करना चाहते हो तो भाई जरूर सा वीडियो देखिए और सीखिए कैसे करते हैं। और भाई आपके जो नजदीक जो भी एजेंट वगैरह है भाई, जो विश्वास जो ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके पास जाइए और बोलिए भाई हम भी जाना चाहते हैं कुवैत, तो भाई हमको भेजो कुवैत भेजो, तो भाई वो भेज देंगे सीधा। तो खुल गया जाम, इधर से भाई जाम है पूरा दूसरी जगह। इधर का रास्ता भी बहुत जबरदस्त है, यही वाला रास्ता एक वीडियो डाला था मैं, दिखाया था रास्ता बहुत माशाल्लाह है टाइप का। तो इस साइड जाएगा तो ये अब्दुल्ला सलीम है पूरा, और इस साइड जाएगा तो ये फैया है, और सीधा जाएगा तो हम किफान की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम इधर से भाई अगर राइट साइड लेंगे तो भाई हम पहुंच जाएंगे कुवैत सिटी। और इधर का जो पेड़ पौधे देखो कितना मस्त गार्डन होता है, क्या मस्त मस्त जबरदस्त, और पेट्रोल मतलब निशान का पेट्रोल बहुत मस्त चलता है, गाड़ी घर सबके घर के बाहर ही होता है। और ये बस देखो भाई क्या बस दबा रहे है भाई लोग। तो भाई ऐसा ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग, अभी हम तो निकल रहे हैं कुवैत सिटी की तरफ। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए भाई जरूर सा सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और भाई प्रेम भाई के चैनल पे बने रहिए। बाय बाय गाइस।